संजय नाम के मजदूर हैं, वो यहाँ पर कब्र खोद रहे हैं। करीबन 7.5 फीट ये लंबी, 5 फीट चौड़ी और 5.5 फीट गहरी ये कब्र जो है यहाँ पर खोदी जा रही है, और देख रहे हैं उसका काम जो है लगातार यहाँ पे चल रहा है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं जो मुख्तार अंसारी को लगातार रॉबिन हुड बता रहे हैं। और देखिए मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर दो कब्र हैं जो स्थानीय लोगों ने बताई है। ये उनके पिता की कब्र है जो मुख्तार अंसारी के, और ये उनकी माँ की कब्र है। इसी के बिल्कुल पास में मुख्तार अंसारी की कब्र जो है वो यहाँ पर खोदी जा रही है। और जैसा कि बांदा में पोस्टमार्टम हो चुका है, जुमे की नमाज खत्म होने के बाद करीबन 5 से 7 घंटे का वक्त लगेगा जब जो पूरा काफिला है वो उनके परिवार के साथ उनके जो शव है वो उनके पैतृक घर जो है मोहम्मदाबाद यहाँ पर पहुंचेगा। उसके बाद घर में शव रखा जाएगा और उसके बाद जो एक पूरी प्रक्रिया होती है सुपुर्दे खाक की, उसको करने के बाद यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं, परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये इसी जगह पर जहाँ पे कब्र खोदी जा रही है, यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी हैं उन्हें जो है सुपुर्दे खाक यहाँ पर किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर संजय नाम के एक मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। संजय भाई, ये एक बार थोड़ा आप खड़े हो जाएंगे, ये कितने घंटे में कब्र खुद जाएगी? डेढ़ घंटा लगेगा, अभी डेढ़ घंटा लगेगा। अच्छा, और कितने फीट लंबी है चौड़ी है ये? 7 फुट लंबी है, 7.5 फुट 5.5 फुट गहरी है। अच्छा, और आप क्या काम करते हैं? कब्र खनते हैं और ईटा उड़ा पाते हैं। अच्छा, कब्र खोदने की काम है आप कब से कर रहे हैं? और एक और स्थानीय निवासी यहाँ पर भाईजान, अभी आप बता रहे थे कि ये उनकी फादर और उनकी मदर की कब्र है। हाँ। और ये कच्ची वाली मदार उनके मदर की है। हाँ। बालू वगैरह बाहर गिरी थी, कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम होने थी, मदार ऐसी बनने थे कुछ, फिर ये सब बात है। जब जो उनका जो शव है वो घर लाया जाएगा तो जो जनाजे की पूरी कार्रवाई होती है वो क्या होती है, थोड़ा बताएंगे आप किस तरह? ये अगर उनकी जनाजे की जब भी आ जाए तो फिर कुछ वक्त लगेगा उनको गुसल कराने में, मतलब नहलाने में, फिर कफन वगैरह पहनाने में, फिर जनाजे की नमाज होगी और फिर उसके बाद ये आखिरी उनका मंजिल है। तो ये रात तक होगा सब कुछ? अब जनाजा आने के बाद फिर उनके घर के। आपका नाम? मेरा नाम अरशद खान है। आप यही स्थानीय यहाँ के? हाँ जी, हम लोग लोकल। हमने देखा भाई जान, यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कि उन्होंने कहा हमारे नेता थे, रॉबिन हुड थे। सब लोगों के दिलों के वो धड़कन थे, बहुत लोग उनको दिल से मानते थे, लोगों की आस थी उनसे, वो रहे न रहे लोगों की हेल्प हुआ करती थी, फरिश्ते थे। और इस कब्रिस्तान को कालीबाग कब्रिस्तान बोलते हैं? हाँ, ये कालीबाग इसलिए कि इतने बहुत ज़्यादा पेड़ ओढ़ थे तो यहाँ पे हमेशा साया रहता था, जो कि अभी भी देखिए लगभग 1.5 होने वाला है, और घने पेड़ की वजह से यहाँ पे मतलब हमेशा छांव रहती थी, तो कालीबाग। और देखिए यहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। धारा 144 जो है वो कई जिलों में लगाई गई है, चाहे गाजीपुर की बात करें या महू की बात करें। यूपी पुलिस ने पहले ही साफ कर रखा है कि जो कानून व्यवस्था हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और लगातार डीएम या जिले के कप्तान जो है वो चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए हैं।